माय चैनल अपना स्वाद दिल से में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी साबूदाना की नमकीन खिचड़ी। सुबह का नाश्ता झटपट बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन को गरम कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को थोड़ा सा गरम होने दें। हमें कुछ चीज़ें फ्राई करनी होगी इसलिए हमें ऑयल थोड़ा तेज़ी से गरम चाहिए। अभी देखिए थोड़ा गरम हो गया है ये अच्छे से। अब इसमें हम ये आलू जो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं, ये 2 से 3 आलू है, इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। ये देखिए आलू फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसी ऑयल में हम मूंगफली फ्राई कर लेंगे। मूंगफली भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये दोनों चीजें हमें फुल फ्लेम पे ही फ्राई करनी है ताकि ये ऑयल ना सोके। मूंगफली निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अगर करी पत्ता हो आपके पास अवेलेबल तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब मैं डालूंगी कटा हुआ 1 बड़ा सा ऑनियन और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे यहीं पे हम लोग। नमक पेस्ट के अनुसार डालें। अब इसे फ्राई कर लें। प्याज हमारी फ्राई हो गई है, इसमें हम डालेंगे कटा हुआ 1 छोटे साइज का टमाटर, इसे फाइन चॉप करके रखेंगे हमें से। अब इसे भी हम इसी में अच्छे से मैश करके भून लेंगे। टमाटर के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 चम्मच पिसी हुई धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, तकरीबन 1/2 चम्मच से भी थोड़ी कम, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, आपके पास मिर्च पाउडर हो रेड चिली मिर्च पाउडर तो वो भी आप डाल सकते हैं चिली फ्लेक्स की जगह पर। अब इसको मसाले को अच्छे से टमाटर प्याज के साथ भून लेंगे। देखिए मसाला भी हमारा भुन गया अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे साबूदाना। ये देखिए ये रात भर मैंने सोक कर लिया है। ध्यान रहे साबूदाना में हम लोग पानी उतना ही डालेंगे जितना साबूदाना होगा, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए हल्का सा मैश होने लगेगा, सुबह हम देखेंगे तो ये मैश होगा। अब इसे मसाले के साथ थोड़ा फ्राई करके इसमें डालेंगे हम मूंगफली और फ्राई करे हुए हमारे आलू। ये देखिए साबूदाना अच्छे से मसाले में मिक्स हो गया है, जिसमें हम डालेंगे कटे जो हमने फ्राई करे हुए थे आलू वो उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको एक बार थोड़ा सा चला देंगे हम। अब इसको हम 1 मिनट के लिए इसका लिड लगा देंगे, इसको बंद करके ज़रूर थोड़ा देर रखें, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। अब हम देख लेंगे एक बार इसको। ये देखिए ये बन चुकी है हमारी नमकीन खिचड़ी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच से भी कम, और जो फ्राई हुई मूंगफली होती हुई थी हमने वो भी इसमें डाल देंगे। लास्ट में हम डालेंगे मूंगफली क्योंकि इसका क्रंच रहना चाहिए, वही अच्छा लगेगा हमें खाने में।
डन। थोड़ी देर के लिए हम इसको और बंद करेंगे और गैस को भी हम यहीं बंद कर देंगे। ये देखिए अब ये बन चुकी है, इसे हम थोड़ी देर के ढक देंगे और गैस को भी यहीं बंद कर देंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन